जय हिंद दोस्तों। बहुत दुख होता है जब हमारी मातृभूमि के रखवाले की शहादत की खबर आती है, लेकिन उससे भी ज्यादा दुख तब होता है जब हमारे जाबाज वीर सपूतों की शहादत पर उन्हें सम्मान देने के लिए ना कोई नेता आता है और ना ही राज्य के प्रशासनिक अधिकारी और ना ही कोई मीडिया कर्मी। क्या हमारा इतना भी फर्ज नहीं बनता है कि जिस व्यक्ति ने हमारी रक्षा में अपना सब कुछ छोड़ दिन रात देश की रक्षा के लिए लगा रहा और वीरगति को प्राप्त हो गया, तो उसे इतना भी सम्मान दे सके। ऐसा ही एक वाक्या 23 मई 2022 को देखने को मिला पंजाब में, जहां की सरकार ने शहीद परिवारों को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता देने का वादा किया है, लेकिन उनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वह शहीद संजय की अंतिम यात्रा में शामिल हो सके और उसे भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे सके। आपको बता दें कि पंजाब के होशियारपुर जिले के सहोड़ा गांव के रहने वाले संजय सिंह 22 मई को ड्यूटी के दौरान शहादत हो गई। वह 2013 से सेना में अपनी सेवाएं दे रहे थे और वर्तमान में उनकी पोस्टिंग मेरठ में थी, जहां वह बीमार हो गए, जिनका इलाज दिल्ली के RR हॉस्पिटल में चल रहा था, जहां 22 मई को उनका निधन हो गया, जिनकी पार्थिव देह 23 मई को उनके निवास स्थान लाई गई, जहां तिरंगे में लिपटे शहीद को देख पूरे गांव में मातम पसर गया। सेना के जवानों ने शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर देकर पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। शहीद का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ गांव के ही शमशान घाट पर किया गया।